उंगली बरामद हुई है नफीस कॉलोनी के शहरी ने चिकन हाउस से जिंगर बर्गर लिया जिंगर बर्गर को खाने के दौरान जब हड्डी महसूस होने पर मुंह से बाहर निकाली तो इंसानी उंगली के अगले हिस्से नाखून समेत सामने आए हैं आपको बताएं कि जिसको देखते ही शहरी की तबीयत खराब हो गई और कह आना शुरू हो गई फास्ट फूड के नाम पर गोश्त में इंसानी उंगली पर सवालिया निशान उठा लिया गया गोश्त कहां से आया और इसके पीछे क्या मामलात हैं लोग खौफ में मुब्तला हैं हमारे साथ कसूर से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद अंसारी उनसे तफसीलात जानते हैं सज्जाद बताइएगा क्या माजरा है जी ये नफीस कॉलोनी की रियासी शाहजेब ने कोर बदरदीन में वाकया चिकन बॉस बर्गर पॉइंट बर्गर खरीदा और वापस घर आ गया और खाने लगा खाने के दौरान हड्डी महसूस होने पर जब चेक किया तो इंसानी उंगली का पोटा जो कि नाखून के साथ था इसको देखकर शाहजेब की तबीयत खराब हो गई और इसको डीएचक्यू अस्पताल में पहुंचाया गया जहां पर इसका ट्रीटमेंट किया गया जब ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरा अथॉरिटी ने मुकामी फूड जो पॉइंट है उसका दौरा किया और कहा कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी जब सिलसिला में फूड पॉइंट के मालिक से बात की गई तो उनका कहना था कि मटेरियल हम तो रायबैंड से मंगवाते हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं जबकि मुकामी शहरी जो शाहजेब है उसने थाना ए डिवीजन को चिकन बॉक्स जो बर्गर पॉइंट है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुकान दे दी है जबकि पुलिस ने जो मुबैना इंसानी अजा है उसको फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है जी बहुत शुक्रिया सज्जाद अंसारी आपने हमें कसूर से अपडेट किया